नमस्कार मित्रों, आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर जगतगुरु आदि शंकराचार्य की बाल रूप प्रतिमा स्थापित हो रही है, उसका अनावरण होने जा रहा है। 108 फीट की ये ऊंची प्रतिमा है। लगभग 1200 वर्ष पहले 8 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य अपने गुरु की खोज में केरल के एक कालाड़ी से 1600 किलोमीटर पैदल चलकर ओंकारेश्वर आए थे। यहाँ उन्हें गुरुजी के रूप में गोविंद पाद जी महाराज मिले और उन्होंने यहाँ दीक्षा ली। उसके बाद इस पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधा। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य के बाल स्वरूप की यह प्रतिमा बड़ी आकर्षक और मोहक है। इसको तैयार करने के लिए संतों, वेदों, इन सब का मार्गदर्शन लिया गया। प्रतिमा को आकार देने से पहले उसका चित्र प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत ने तैयार किया। हमें शंकराचार्य का जो युवा अवस्था का चित्र सब जगह दिखाई देता है, उसे महान चित्रकार राजा रविवर्मा ने तैयार किया था। आचार्य शंकर का बाल अवस्था का कोई चित्र उपलब्ध नहीं था, इसलिए वासुदेव कामत के सामने विकट चुनौती थी। इस मूर्ति को जो आप देख रहे हैं, इसको डिज़ाइन किया है भगवान रामपुर ने, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं भारत के। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ इस मूर्ति को तैयार किया है, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि इस मूर्ति के भाव भंगिमाएं बड़े स्वाभाविक हैं और बहुत आकर्षक मोहक हैं। तो यह मूर्ति हम सबकी प्रेरणा का केंद्र बनेगी और भारत को एकात्मता के सूत्र में पिरोने का कार्य करेगी।